नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति भाटिया रावत। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारा कारवां आ पहुंचा है दिल्ली के एक जिम्स कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में, जहां हम बात करेंगे कि भारत में महिलाओं के इतिहास में क्या बदलाव आए हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति कितनी जागरूक हुई हैं और साथ ही आज समाज में उनका स्तर किस तरह से बदल रहा है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरू जौहरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज जिम्स में हेड हैं। इनके अलावा हमारे साथ हैं अर्चना बिश्ची, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं। जसमीत बजाज भी हैं, जो कि एडवोकेट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोष्ठी में। हम एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें अपने पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास अगर हमें अपने ऊपर आ गया तो हम कोई छोटे से छोटा काम भी और बड़े से बड़ा काम भी कर सकते, आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आत्मनिर्भर होना या सशक्तिकरण कितना ज़रूरी है आज? जैसा कि अर्चना जी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर हैं, तो हम कोई भी काम जो है बहुत ही आत्मविश्वास, हिम्मत, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। और वो काम कोई भी हो सकता है, हमारी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। और जब आजकल के बदलते परिवेश की हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। और आत्मनिर्भर अगर होंगे तो हमारा समाज आत्मनिर्भर होता है। और अगर आत्मनिर्भर होते हैं तो मुझे गांधी जी की कही हुई बात याद आती है कि एक महिला जो है पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बनाती है। तो अगर एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो सभी को वो चाहेगी कि वो सब आत्मनिर्भर हो सकें। तो मेरी समझ से आत्मनिर्भर होना आज के बदलते परिवेश में बहुत बहुत आवश्यक है। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि आज के समय में एक औरत का जो रोल है, जो दर्जा है, वो सिर्फ एक फैमिली में नहीं सिमट रहा है, वो बहुत फैल चुका है। और अब वो सोसाइटी में एक वर्किंग वुमन की तरह से बहुत अच्छे ढंग से सामने आ रही हैं। और इसलिए मतलब मैं कहूँगी कि सपोर्ट सिर्फ फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, वो एक इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही हैं, कंट्री को सपोर्ट कर रही हैं ग्रोथ में, यानी कि पूरे समाज को वो जागरूक कर रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, अगर हम आपका केस लें, क्योंकि आपने कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं और आज सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको एक कब लगा कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, या आपको कब सशक्तिकरण के बारे में महसूस हुआ? मेरे को तब महसूस हुआ जब मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी, उसके बाद जल्दी शादी हो गई। जल्दी मतलब कि ग्रेजुएशन कर ही रही थी उसी टाइम शादी कर दी। तो उसके बाद सोचा था कि कुछ करूँगी, टीचिंग जॉब ही करूँगी, लेकिन मौका नहीं मिला। अच्छा। फिर ये है कि ससुराल अच्छा मिल गया, तो ससुराल में सबने मतलब प्रोत्साहित किया मुझे कि हाँ तुम करो, कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर करने लगी, कॉलेज भी किया, फाइनल ईयर किया, सारा कुछ किया। उसके बाद बेटी भी हो गई। बेटी होने के बाद मैंने फैशन डिज़ाइन किया। आईटीआई में पहले कर चुकी थी, 4 साल का कर चुकी थी, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह ये सारा कर चुकी थी। उसके बाद मुझे हमारे सपोर्ट काफ़ी मिला, ससुराल से भी, मायके से भी मिला, लेकिन उनका पापा का ये था कि वो रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने जल्दी शादी कर दी मेरी। यानी कि आपने काफ़ी बदलाव देखे हैं, उतार चढ़ाव भी देखे हैं, और आपको फैमिली ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अच्छा जसमीत, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपके पास इतने केसेस आते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि महिलाएँ जो हैं वो अपने अधिकारों के लिए कितनी जागरूक हुई हैं आज? आज के टाइम में काफ़ी जागरूक हो चुकी हैं वुमेन अपने अधिकारों को लेके, अपने ड्यूटीज़ को लेके भी, ना केवल अधिकारों को लेके, अपनी ड्यूटीज़ को लेके भी। तो आज के टाइम में काफ़ी जागरूकता फैली है। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जैसा कि इन दोनों ने कहा, मैं भी समझती हूँ कि जब मेरी भी शादी हो गई थी, तो मुझे नहीं लगता था कि आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। हमेशा लगता था कि मैं कहीं ना कहीं सेकेंड सिटीजन के रूप में हूँ, चाहे वो पति की पत्नी हूँ, भाई की बहन हूँ, या कहीं बेटी थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी अपने पति के साथ ही नहीं, लेकिन अपना कुछ करना मुझे ज़रूरी है। तो फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई की, पीएचडी किया, और उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, और उस पत्रकारिता जगत ने मुझे एक नई पहचान दी। और जब नई पहचान मिली तो मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ा, और आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं सशक्त हूँ। और मेरे जैसी मैं बहुत सारी लड़कियां आती हैं, मैं उनको भी प्रेरित करती हूँ, प्रोत्साहित करती हूँ कि वो भी एकदम स्वावलंबी बने और अपने पैरों पे खड़े हों, आत्मनिर्भर हों। क्योंकि आज का युग जो है वो बदलता परिवेश जो है वो ये मांग करता है
कि हम सेकंड सिटीज़न बन के ना रहें। और जब मैं किसी लड़की को आगे बढ़ता देखती हूँ तो मुझे बहुत 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 खुशी होती है। यही मैं दूसरा सवाल भी यही पूछना चाह रही थी कि हम महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर हैं, वो परिवार को अच्छे से उनका पालन पोषण कर रही हैं और सशक्त हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि आर्थिक तौर पर जो बदलाव आया है, आर्थिक तौर पर जिस तरह से वो कंधे पे कंधा मिलाकर अपने पुरुषों के साथ चल रही हैं? मैं मानती हूँ कि लेडी जो औरतें हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो घर का भी संभाल रहे हैं, बाहर का भी संभाल रहे हैं, तो पुरुष जो है वो बाहर ही संभाल रहे हैं और कुछ तो इतना ज़्यादा है नहीं, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। इंडिया में CEOs जो हैं उसमें 10% जो हैं वुमेन CEOs हैं, जो कि 2011 में सिर्फ 1% था। तो मैं कहना चाहूँगी इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हो रहा है, और जो गवर्नमेंट की जो रिसेंट जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, चाहे रूरल इंडिया में चाहे अर्बन इंडिया में, दोनों जगह पे वर्किंग वुमेन की तादाद जो है वो लगातार बढ़ रही है। इवन टॉप मोस्ट आप कहेंगे CEO लेवल एंड सीनियर मैनेजरियल पोजिशन में 30% वुमेन्स हैं आज की डेट में, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। तो कहीं आपको लगता है कि आर्थिक तौर पर जब वो बराबरी कर रही है तो क्या समाज में भी उनको उसी बराबरी के नजर से देखा जाता है? अब जब उनको सक्सेशन एक्ट में भी उनको राइट मिल गया है प्रॉपर्टी में, अपने फादर की प्रॉपर्टी में और अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी में, नाउ शी कैन होल्ड द प्रॉपर्टी, शी कैन बी एन एब्सोल्यूट ओनर ऑल्सो। तो अब डेफिनेटली अगर हम वर्किंग हैं, हम इनकम अर्न कर रहे हैं, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हुई हमारी, हम फाइनेंशियली स्टेबल हुए। साथ ही साथ जब गवर्नमेंट ने हमें राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, हमारा हक दे दिया हमें प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस में, तो डेफिनेटली ये इम्प्रूव करेगा सोशल स्टेटस में एंड फाइनेंशियल स्टेटस में। यानी कि आप मानती हैं कि आर्थिक तौर पर अगर वो आत्मनिर्भर है तो कहीं ना कहीं समाज भी उसे एक्सेप्ट करता है। जहाँ पर देखा जाए स्टेटस ऑफ वुमेन डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, अगर हम फाइनेंशियल पावर मिल गई है, हमारे पास अपना हक है, हम अर्न भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी इनहेरिट भी कर सकते हैं, डेफिनेटली वो सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करेगा। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं जैसे कि लोगों ने कहा परिवर्तन बहुत हुआ है, मैं भी क्योंकि पत्रकारिता विभाग में हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव देखती हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे कॉलेज में अगर 60 बच्चे हैं एक शिफ्ट में तो उसमें करीब 40 लड़कियाँ हैं और 20 लड़के हैं, तो मतलब करीब करीब 70-75% लड़कियां जो हैं वो पढ़ने में आगे आ रही हैं। और अगर हम टॉपर्स की लिस्ट भी देखते हैं उठा के, तो उसमें भी लड़कियां जो हैं फर्स्ट 5 में ज़्यादा रहती हैं, और लड़कियों के साथ उतनी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है जितनी लड़कों के साथ करनी पड़ती है। और लड़कियां मतलब हर फील्ड में, जर्नलिज्म की क्योंकि मैं बात कर सकती हूँ, बहुत एक्सेल कर रही हैं, और उसके साथ साथ हर क्षेत्र में कर रही हैं, हर क्षेत्र में। मैरी कॉम का एग्जांपल है, साइना नेहवाल का एग्जांपल है, कल्चर है, सुनीता विलियम्स का एग्जांपल है, कल्पना चावला का एग्जांपल है। मतलब एग्जांपल्स आप जब गिनने लगेंगे तो शायद कहीं हमारा रुकने का नाम नहीं, बिल्कुल हाथ में आप गिनती करना भूल जाएंगे इतनी सारी। और आप जब खुद देखती हूँ मैं कि लड़कियाँ 2-3 साल बाद कहीं कम्पीट करके इतना कहाँ कहाँ बैठी हुई हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, मीडिया हाउसेज में हैं, तो बहुत खुशी होती है। और खुशी का एहसास इतना होता है कि लगता है कि मतलब यू फील रियली, आई कैन ओनली से कि आपको तब लगता है कि यस वी आर एम्पावर्ड। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि सिर्फ आर्थिक बराबरी से ही समाज में बराबरी मिल सकती है? विचार में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको ये सोचना होगा कि जितना हम लड़के को महत्व देते हैं उतना लड़की को भी महत्व देना होगा, दोनों को इक्वल। अब जब आप सोचोगे कि भाई लड़का है मेरा, मेरे साथ रहेगा, लड़की तो क्या है, शादी होके उसकी तो वो तो चली जाएगी दूसरे घर, तो वो बात गलत है, क्योंकि लड़की बाद में भी सपोर्ट करती है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। हम बात कर रहे थे कि महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, वो खुश हैं, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप सशक्त हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, लेकिन क्या आप आज अपने आप को पुरुषों के बराबर समझती हैं? जी डेफिनेटली, मैं तो ये कहूँगी कि हम बिल्कुल किसी भी स्टेप में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। आप एजुकेशन वाइज कह लीजिए, हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन के लिए, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉर एम्प्लॉयमेंट। हमारे पास अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अमेंडमेंट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुई, उसके तहत 33% रिजर्वेशन भी हमें मिल गया पॉलिटिक्स में। तो जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रही है, बीट फिनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल, हर तरह से गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है वुमेन को आज की। नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, समाज में बदलाव आ रहा है, लेकिन क्या आज महिलाएं, हम खुद
क्या हम सोचते हैं कि हमें भी वही लिबर्टी दी जाए जो पुरुषों को है, वो भी आज रात को, रात के 11 बजे 12 बजे वो बाहर हैं, क्या आप वो लिबर्टी लेती हैं? ये सिचुएशंस भी अब इम्प्रूव हो रही हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं अब सिक्योरिटी को लेके भी, इवन जो लोग हैं उनमें भी एक मोरल वैल्यूज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश जारी है, प्लस सिक्योरिटी जो है पुलिस फोर्स वगैरह इन सब की भी हमारे पास सिक्योरिटी को लेके भी इम्प्रूवमेंट जारी है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है? जो जसमीत जी ने कहा, मैं थोड़ा सा इनसे भिन्न है मेरा मत। देखिए, कानून के अंतर्गत परिवर्तन लाना, अधिनियम लाना एक अलग बात है, लेकिन सामाजिक स्तर पर, मानसिक तौर पर, मेंटल लेवल पर लोगों में परिवर्तन लाना एक दूसरी बात है। कानून तो बने हैं, लेकिन कानून का पालन तो समाज करता है, समाज में रहने वाले लोग करते हैं, मैं या आप करते हैं, और उसमें परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि हम सामाजिक तौर पे जो हैं लोग उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाएं, और उसमें लाने में शायद मुझे लगता है कि अभी बहुत समय है। कुछ लोग परिवर्तित हुए हैं, लेकिन अभी भी जो हमारा सामाजिक ढांचा है, जो हमारी पारिवारिक मान्यताएँ हैं, उनमें भी अभी थोड़ा समय, थोड़ा तो नहीं, मुझे तो लगता है काफ़ी समय लगेगा। और एक केवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, सोशली या सामाजिक जागरूकता लाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं आएगी, मन से हम नहीं सोचेंगे, तब तक पुरुष और स्त्री का जो ये डिस्पैरिटी है, दूरियां हैं, ये बनी रहेंगी। और इसमें तो आने में समय लगेगा, सरकार तो पहल कर ही रही है, सरकार के साथ साथ मुझे लगता है समाज में एक माता और पिता को भी, मतलब परिवार में हर सदस्य का जो रोल है, भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे अगर हम अपने बच्चे होते हैं, उनको बचपन से सिखाएं कि भाई भाई बहन में भेदभाव करना पॉसिबल नहीं है। कई बार मैंने देखा है, मैंने क्योंकि कई बार रूरल इंडिया में बहुत काम किया है, तो या अपने में दूर कहाँ जाए, शहरी क्षेत्र में भी कुछ घर में अच्छा बनेगा तो माँ उठा के चुपचाप वो पहले अपने बेटे के लिए रख लेगी कि वो आएगा तो उसको दे दे, कुछ भी मिठाई हो या सब जो भी आप, मतलब आपके घर में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार आपकी, जब आपकी ग्रूमिंग होती है आपके बचपन में, वो कसक जो है कहीं ना कहीं रह जाती है। तो मेरा मानना है कि सामाजिक परिवर्तन आने में अभी शायद काफ़ी समय लगेगा। जी जी, तो आप इसमें कुछ जोड़ना चाहती हैं कि आप आज सशक्त हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, अपने अधिकार हासिल भी किए हैं, लेकिन कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ भी रही हूँ और आगे भी यही रहेगा कि हाँ, मैं आगे बढ़ूँ और अपने बच्चों को, मेरी दो बेटियाँ हैं, जबकि मैं उनको यही सिखाती हूँ कि नहीं, तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुम लोग भी आगे बढ़ो, अपने को पूरा वो रखो। लेकिन जब जहाँ तक कि सिक्योरिटी की बात आती है, वहाँ पे मैं खुद डर जाती हूँ। तो इसका क्या इलाज है, क्या इसका समाधान क्या है? सोशल लेवल पे तो डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं, लीगल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, बट मेरा मानना है कि अब हमें फैमिली लेवल पे भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, नई नई स्कीम्स वो लॉन्च कर सकती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनको फिनेंशियली हेल्प कर सकती है, एजुकेशनली हेल्प कर सकती है, बट अब बदलाव की ज़रूरत है फैमिली लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, आगे सोच में बदलाव की ज़रूरत है। अब कानून है, पुलिस है, सब कुछ है, बट अब आज के दिन में अगर हम कहें फैमिली लेवल पे, अगर अभी हम, जैसे मैम ने कहा अभी, तो वो लेवल जो है वो फैमिली खुद ही अपने आप में मेंटालिटी को, मॉरल, अपने वैल्यूज़ को चेंज करके ही ला सकेंगी। अच्छा, आत्मनिर्भर होने के बाद किस तरह की फीलिंग्स आती हैं, किस तरह का एहसास होता है? बहुत अच्छा एहसास होता है, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, और आप में के अंदर ये जज्बा आता है कि आप सिर्फ, मतलब अपने लिए अर्न नहीं कर रही हैं, आप एक फैमिली को सपोर्ट भी कर रही हैं। आज की डेट में आज की महिला जो है वो सिर्फ अपने एक, उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, रादर अब वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव महसूस किया इसकी वजह से? मैं जब घर में रहती थी तो मुझे लगा कि मतलब उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी बच्चों से हो या किसी हस्बैंड से हो, लेकिन जब मैं जॉब करने लगी तो सबसे रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई। यानी कि आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं जब आत्मनिर्भर होते हैं तो आप अपनी इज्जत खुद कमाते हैं, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं इन दोनों से भी सहमत हूँ। मुझे आत्मनिर्भरता से जो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ, मैं डिसीजन टेकिंग मैं स्वयं अपनी कर सकती हूँ। मुझे उसके लिए, मैं ज़रूर कंसल्ट करती हूँ अपने परिवार के अन्य सदस्यों से, लेकिन जब मुझे लगता है निर्णय लेने की बात है तो मैं खुद निर्णय लेने में अपना निर्णय खुद लेती हूँ, और वो जब निर्णय लेने के बाद कोई मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो वो जो है ना, मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट ने, सशक्तिकरण ने जो एक औरत को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की, वो बहुत ही सराहनीय है। जी जी। अच्छा, हम सब आज आत्मनिर्भर हैं,
हम सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं, आप किस तरह से सोसाइटी को योगदान दे रहे हैं? मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे मैं अब शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, तो जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं हूँ और लड़कियों को लड़कों को जो भी यंगर जनरेशन है उनको मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लगता है वो आगे चल के एक बहुत ही सुनहरे समाज की जो है परिकल्पना करती हूँ और वो उसमें शायद योगदान देंगे। और दूसरा, काफ़ी समय मैंने पब्लिक हेल्थ में काम किया है, तो जब मैं वहाँ पे भी महिलाओं को देखती थी तो मुझे लगता है नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, जानकारी है, सूचनाएं हैं, वो अगर आपके पास हैं तो वो एक सशक्तिकरण का पहला कदम होता है। जब मैं समाज में देखती हूँ अपने चारों तरफ, और मैं जब शिक्षा के क्षेत्र में देखती हूँ कि लड़के लड़कियाँ कैसे मतलब आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा मानना है कि जानकारी, सूचना, नॉलेज वो पावर देती है, और जब आपके पास ज्ञान है, आपके पास सूचनाएं हैं, और वो आपको जब एक हिम्मत देता है, और मेरा मानना है कि ये जो है सशक्तिकरण की तरफ पहला कदम है। और अगर हम पहला कदम और अगर हमारी नींव जो है वो मजबूत रहती है, तो हम एक अच्छे भविष्य की, अच्छे समाज की परिकल्पना ज़रूर कर सकते हैं। और इस तरीके से मुझे लगता है कि मैं छोटी सी भूमिका उस समाज को मजबूत बनाने में निभा रही हूं। आप कितना योगदान दे रही हैं? मैं ये योगदान दे रही हूँ कि जिम कॉलेज ने जो मुझे स्विंग टीचर, सिलाई की टीचर बनाने का मौका दिया, वो मुझे बड़ा ही सराहनीय लगा। क्योंकि मैं यहाँ जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे ये लगा था कि भाई यहाँ पर मतलब मैं सिखा नहीं पाऊँगी बच्चों को। बच्चे क्या थे, वो औरतें थी, गरीब औरतें थी, गरीब लड़कियाँ थी, जिनको कि घर में ठीक तरह से खाना भी मतलब दो टाइम का खाना मिलता है। उनके बीच मुझे काम करके ऐसा लगा कि नहीं, इन लोगों को मतलब सिखाना चाहिए, या इन लोगों को जितनी जानकारी हम लोगों को है उनको बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग गलत चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, और अच्छी चीज़ों को उन मतलब कोई बताने वाला है नहीं उनको अच्छी चीज़ें, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं उनको योगदान दे रही हूँ काफ़ी, और वो मेरे को सपोर्ट भी करते हैं। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे अब आज की औरत फाइनेंशियली तो सपोर्ट कर ही रही है फैमिली को, साथ में वो नेशन बिल्डिंग के लिए सपोर्ट कर रही है। अब सिर्फ ये सिर्फ मेन का रोल नहीं रह गया है कि नेशन बिल्डिंग में सपोर्ट करें, अपने रोल एक्टिविटीज़ निभाएं, अभी औरतें भी सपोर्ट कर रही हैं। एंड इसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा रोल अपना निभाया है, क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट लाइक वर्क फ्रेंडली जो है, वुमन फ्रेंडली अपना क्रिएट किया है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं आज के टाइम में। साथ ही साथ मीडिया भी आज के टाइम में मतलब वुमेन कहाँ नहीं है, आप साइंटिस्ट बोल लीजिए, प्रोफेसर्स बोल लीजिए, मीडिया क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। अच्छा, सशक्त होना कोई गोल नहीं है, एक प्रोसेस है जो लगातार चलता जा रहा है और चलता जाएगा। आज की डेट में आज आप सभी को या क्या ये महसूस होता है कि हम सशक्त हो गए हैं या अभी भी गुंजाइश है? मैं तो ये, जैसे आपने कहा, एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहेगी। और इसमें जैसे मैं पहले के आराज में मैं अपने आप को काफ़ी बदलाव देखती हूँ, मेरी बेटी को मैं चाहती हूँ वही बदलाव आए, लेकिन फिर भी जब बाहर तो मैं जाती हूँ, लेकिन जब मैं घर में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरा वही सेकेंडरी रोल है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि समाज में परिवर्तन आने में काफ़ी लगेगा, समय लगेगा, और सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसके कुछ चरण हैं। तो शायद हम एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को सशक्तिकरण नहीं मान सकते हैं, इसके लिए फाइनेंशियल और सोशल यानी सामाजिक और आर्थिक दोनों होना ज़रूरी है। तो जब तक सामाजिक सशक्तिकरण उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज की चर्चा में यही बात सामने आई है कि पिछले कुछ दशकों से भारत में महिलाओं का स्तर सामाजिक और आर्थिक तौर पर काफ़ी विकास हुआ है। आज संविधान में भी उन्हें पुरुषों के बराबर का अधिकार हासिल है। साथ ही हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, खेलकूद हो, राजनीति हो, कला या संस्कृति से जुड़ा कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो आज की गोष्ठी में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नई चर्चा के साथ। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।